हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और मैं थोड़ा बहुत रेडी शेडी हुई हूँ क्योंकि मैं रील शूट कर रही थी इसकी वजह से। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 होने को है, 9:01, मेरी घड़ी थोड़ी सी आ गया तो पता ही नहीं चलता, 9:20 हो रहा है। और बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे लोग मतलब इराज और इराज का फ्रेंड वीर आया हुआ है तो ये लोग खाना खा रहे हैं। और हस्बैंड यहाँ बैठे अभी आम कट कर रहे थे अचार के लिए। एक्चुअली हम कल मार्केट गए थे तो मार्केट से भी लेके आए थे। खा लिया वीर? लेगा पराठा? और ले लो, एक और पराठा ले लो। ठीक है, तो कल हम लोग मार्केट गए थे, सब्जी मार्केट, तो वहाँ से भी मैं आम लेके आई थी कच्ची वाली, और आम से भी आज लेके आए, तो बस वही बैठे बैठे कट किए हैं क्योंकि मेरे बस का तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें गुठलियाँ आ जाती है ना मोटी वाली, तो वो कट नहीं होती है। और मुझे एक्चुअली तुरंत बनाना नहीं था, नहीं तो कट करके भी मार्केट से देते हैं, आप जहाँ से आम लेते हो ना वहाँ से कट करके भी देते हैं, पर मैं अब तुरंत बनाने वाली थी नहीं। और कल मैं लाती कटवा के, आज मंगलवार था तो आज मंगलवार को मसाला नहीं करते हैं। कहाँ जा रहे हो? सोसाइटी में? तो इसलिए मैं कट करवा के नहीं लाई, तो फिर हस्बैंड को मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि उसमें गुठलियाँ मोटी वाली आ जाती है ना, तो कटता नहीं है, मेरे से नहीं कटता। तब कट करके रखने जा रही, पानी में डालूंगी, उसके बाद पानी से निकाल कर उसको सुखाऊंगी। वैसे अचार मेरे पास है भी, क्योंकि दीदी ने भी दिया था और भाभी ने भी दिया था, दीदी ने यानी मेरी नन जी ने दिया था और जेठानी जी ने दिया था, तो थोड़ा बहुत है, पर मेरे को खुद से भी बनाना था तो इसलिए मैं लेके आई और वो फार्म से भी ये लेके आए। तो बस जा रही हूँ, उसी चीज़ में लगूंगी क्योंकि छोड़ नहीं सकते, कट कर दिया हस्बैंड तब उसको छोड़ा नहीं जा सकता। एक बार आम रहता है तो उसको 2-4 दिन छोड़ भी सकते हो, लेकिन कटे हुए आम को नहीं छोड़ सकते ना। तो बस जा रही हूँ, उसमें पानी मतलब पानी में से निकालूंगी उसको, और फिर आगे का प्रोसेस जो होगा वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए लगते हैं काम में, और चेंज करूँगी, ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा, इसमें तो मैं काम नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे मैं काम नहीं कर सकती हूँ ऐसे खुले बाल में। और अच्छा तो लगता है खुले बाल में इस तरीके से सज धज के बैठना, और सज धज के बैठने में कुछ मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं करती, आप मानोगे नहीं, मेरे पास मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, यानी आईलाइनर आई शेडो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी मैं नहीं करती। लिपस्टिक है, वो भी 2-3 सेट के हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही होता है मेरे फेस पे, और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मेकअप मैं नहीं करती हूँ। और पाउडर लगा लेती हूँ, अभी गर्मी है तो थोड़ा सा पाउडर लगाना बनता है क्योंकि पसीना होता है इसकी वजह से। इसके अलावा मेरे पास कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आईलाइनर आई शेडो या मस्कारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ब्लशर ब्रशर तो दूर की बात हो गई क्योंकि वो तो आप मेकअप करते हो तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगाती क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि मैं ज़्यादा लिपापोती करती हूँ ना मतलब अपने चेहरे पे, तो मेरा चेहरा नहीं अच्छा लगता है, अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए बहुत सिंपल रहती हूँ, और सिंपल में ही मेरा चेहरा अच्छा लगता है, ज़्यादा पोत पोताई करके मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सिंपल। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और ऐसे सजने धने का कोई मतलब भी नहीं है ना, घर में रह के कौन सजता है घर में रह के कोई सजता नहीं है, और स्पेशली इतनी गर्मी है कि बाप रे मैं क्या ही बताऊँ, अहमदाबाद में जो रह रहे हैं ना उनको पता है। बस चलिए बातें बहुत हो गई, और अचार में लगते हैं, नहीं तो कट करके रखा है हस्बैंड ने, ख़राब हो सकता है तो करना पड़ेगा। हाँ, कैसे डिटेल पूरा आ गया? तो पूरा उसने उसमें डाल दिया है ना, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया उसने। मेरे वाईफाई से कनेक्ट किया नहीं, पासवर्ड डाला, पर वो पासवर्ड जो था वो नहीं था, वो अलग पासवर्ड था, पता नहीं कौन सा ही था। सुगंध तो अच्छी है इसकी। हाँ तो ऐसी आई थी उस कल मैं गई थी तो। दो है इसके। हाँ अलग अलग। हाँ देखो गिर गया। अरे इसमें मेरे को बर्फ का पानी वो डालना था, गर्म पानी है ना, नमक हल्दी भी डाल के छोड़ दूंगी, तो कल मेरे को सुबह सुखाते बनेगा, अब कल मसाला शाम को कर दूंगी। अचार रेडी? अचार ऐसे कैसे रेडी, बहुत टाइम लगेगा अभी। जरा देखो से बही मन भरक
कैसे मुस्कुराए कली यूं शर्माए घूंघट में गोरी जैसे। दूध भी ला के रख दिए हैं, अपना काम पूरा कर दिए हैं। मैं बोली अब अपना काम पूरा कर दियो है, मेरा काम बाकी है। काटना और सब। अंकल को देखने जा रहे हैं कहाँ, बाहर कहाँ जा रहे हैं? हाँ देख, जाने दे, बाहर जाने पाबंदी थोड़ी है बेटा। दूध नहीं फेंक रहा, पी लिया ग्लास, खा लिया ग्लास। छत पे कहाँ सोएगा, हवा नहीं है बेटा। देखो आती है वो 3 बजे के बाद, मस्त नहीं जाती है। मस्त आते 3 बजे तक जलने का छत पे नहीं सोएंगे। हाँ तो पापा आएंगे तो चले जाना, अभी मेरे को काम है। ये पापा आएंगे तो जाना छत पे आपको, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी। दुपट्टा मैंने बिछाया हुआ है क्योंकि कॉटन का दुपट्टा है, तो इसमें अच्छे से पानी सूख जाएगा और अच्छे से फैला दूंगी मैं ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मुझे अभी बर्तन वर्तन करना है, बर्तन मैंने किया नहीं है जो रात का बर्तन है, तो टाइम मिलेगा तो मैं नमक हल्दी अभी डालूंगी, नहीं तो फिर सुबह डालूंगी। देखते हैं कैसा क्या होता है, क्योंकि बर्तन करना भी ज़रूरी है, बहुत सारे बर्तन हैं। कितना बाकी है? चलेगा, डाल दो, रख दो आप सिंक में, रख के आ जाओ। और टेबल पर आप सामान देख सकते हो, काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि प्रेस करते हैं ना तो फिर वो अंदर नहीं रखते, टेबल पे ही रख देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती कि प्रेस करके सारे कपड़ों को रखती हूँ, जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे होता है, तो इसी वजह से सामने ही रखे रहते हैं प्रेस, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ किया जा सके। और बैग है मेरा, तो बैग ये किसी को ले जाना था, मतलब कोई जैसे दीदी को जाना था, कोई किसी को क्या कि दीदी को जाना था, तो दीदी ने बोला था मैं ले जाऊँगी, पर मैं दे नहीं पाई, मतलब 2 बार आए बोलने के बाद में भी, पर वो ले नहीं जा पाए और मैं गई तो मैं भी भूल गई थी ले जाना, और जल्दीबाजी में रह गया, तो फिर अब मुझे अलमारी में रखना है, रखा नहीं है। और यहाँ सामने आप देख सकते हो पानी में दिखा रही थी कि कैसे काला पानी हो गया एकदम से, और पिंक कलर का ड्रेस देख रहे हो तो वो मुझे देना है किसी को, क्योंकि मुझे फिट आ रहा है अभी, तो इसी वजह से किसी को दे देना है। मैं तो नीचे उतरती नहीं हूँ, मतलब मैं इतने ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, तो हस्बैंड को बोल के रखती हूँ, और इसीलिए सामने भी रखती हूँ ताकि ये ध्यान में रहे, सामने रहे तो दिया जा सके, पर ऐसे हो ही नहीं पाता है, मतलब सामने है फिर भी 2-4 बार टोको तब जाके हस्बैंड को पता चलता है। 2-3 बार तो मैंने बोल दिया है, पर देखो कब दे पाते हैं वो किसी को। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बस फटाफट काम करो, और मतलब कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, गर्मी की वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और ये है दूसरे दिन का क्लिप, दूसरे दिन सुबह का क्लिप है, पूरे रात ये जो आम है कटा हुआ पूरी रात सूखा है, अच्छे से सूखा है, आप देख सकते हो, जबकि मुझे इतना सुखाना नहीं था, पर मैं क्या करती मैं थक गई थी बर्तन वगैरह करके, तो फिर मैंने इसको रहने ही दिया था, क्योंकि रात को फिर मेरे बर्तन भी करना था, तो बर्तन किया था, किचन साफ़ किया था, तो फिर मैं इसको छोड़ ही रखी थी कि चलो ठीक है सुबह कर लूँगी। तो अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और हल्दी डालूँगी, और उसके बाद मैं इसे धूप में रख दूँगी। और ये वीडियो कल का ही है, कल 24 तारीख का बुधवार का, और मुझे कहीं जाना भी है और ज़रूरी है जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, तो बस इसमें नमक हल्दी डाल के और इसमें धूप में रखूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो पानी निकलना है वो निकल जाए। तेल में भूल गई हूँ, तो जल्दीबाजी का काम ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं काम तो यहाँ पे कर रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में और भी कुछ चल रहा है कि हाँ मुझे जाना है, और भी काम है जो ख़त्म करना है। और युवराज जा चुके हैं अपने दोस्त के पास, आपने देखा ही कि मतलब युवराज का दोस्त आया हुआ था, पिछली बार भी आया हुआ था, तो जाते वक्त उसने ज़िद किया कि नहीं चलो तुम भी चलो ऐसे करके अपने फ्रेंड को, मतलब युवराज को, तो गया था और शाम को आ गया था। और कल भी उसने ज़िद करी कि नहीं तुम चलोगे तो ही मैं जाऊँगा, तो इसी वजह से फिर मुझे उसको भेजना पड़ा, तो वो जा चुका है और इसलिए मैं सारा काम निपटा रही हूँ।
अब मैं निकल गई हूँ जहाँ मुझे जाना है और टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब धूप है और बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज़ लगती है और मतलब ऐसे लग रहे थे ना कि हर तरफ भट्टी है और बीच में से हम लोग जा रहे हैं ऐसे मतलब गर्म हवा के झोंके आ रहे थे तो इसी वजह से मैंने पहले तो मैं बैठी तो मैंने दुपट्टा कवर नहीं किया था फेस पे पर मेरे से रहा नहीं गया थोड़ी दूर जाने के बाद ही फिर मैंने दुपट्टे से अपने आप को कवर किया बहुत ज़्यादा ही लग रहा था चेहरे को। मैं बता दूं मैं जा रही हूँ अपने भाभी के मायके क्योंकि उनकी दादी की डेथ हो गई है तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ। करवा दें आप ऑटो वाले भैया बोले कि मतलब आप बात करवा दो तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता लग जाए तो फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बाद बात करवाना क्योंकि आसपास में पहुंच जाएंगे तब बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो वही मैंने उनको बोला कि आप बोल देना जब आपको लगे कि बात करनी है तो तब मुझे आप बता देना तो बोले ठीक है। और मैं भी बहुत पहले गई थी एक आध बार ही गई हूँ भाभी के मायके ज़्यादा टाइम गई नहीं हूँ तो मुझे भी इतना अंदाज़ा था नहीं रास्ते का तो इसलिए भाभी से बात करवानी थी। और यहाँ आप गर्मी का कहर देखिए कि इस बंदे को देखिए कैसे मतलब जो चलाने वाला व्यक्ति है वो तो कुछ नहीं कर सकता अच्छे से टाइट अपने फेस को कवर कर सकता है लेकिन पीछे वाले बंदे को आप देखिए बड़ा रोते नहीं है लड्डू डोंट क्राई बेटा जाने दादी ने बोला था कि आज इधर ही सोना ऐसा बोला दादी ने हाँ। अच्छा इसलिए फोन ऑन कुछ नहीं आया आपका कि लेने आ जाओ कर देते कोई भी कि भाई यहाँ सोऊंगा या यहाँ सोएगा तो वो तो जाहिर सी बात है यार नहीं जाते तो मम्मी को बोला था मैंने कि आज उधर ही सोऊंगा बोला नहीं था अच्छा कल जाना अभी वेकेशन बाकी है बेटा वेकेशन अभी बाकी है चले जाना एक दिन सुबह जाना पापा जाते समय छोड़ देंगे ऑफिस जाते समय सुनो मेरी बात अरे यार सुनो तो और पूरे दोपहर सोना पूरी रात सोना ठीक है ऐसा रो रो मत करो रोना रोना मत करो मेरा बच्चा उसके 12 तारीख से स्कूल खुल रही है किसकी वीर की ऐसा उसके लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा तो आपकी भी खुली जाएगी 12 तारीख को अभी आज क्या तारीख है आपको पता है क्या तारीख है आज 23 से 24 है 24 आई थिंक हाँ 24 है अभी बहुत टाइम है 15 दिन है 15 डेज है अभी समझे कि नहीं वो भी रो रहा था आए तो और मतलब वो रो रहा था ऐसा मेरे को अभी छोड़ो नहीं बेटा अभी नहीं पापा के साथ नहीं रहना आपको नहीं ऐसा नहीं होता ना लड्डू मेरे बाद मेरी बात सुनो दादा दादी ने भी बोला था कि उधर सोना ऐसा बोला दादा दादी ने अच्छा ठीक है जाना छोड़ा पापा छोड़ाएंगे 2 दिन बाद फिर से मेरी बात सुनो क्या खाया था आपने खाना पत्ता गोभी खाया था खाली और क्या खाया था और आम रस और मंचूरियन और बस रोटी नहीं खाई थी रोटी खाई थी तू दादी ने मेरे को बोला था दादी को मैंने फोन किया था ना कि बाबू ने खाना खाया तो बोले हाँ मैंने खिला दिया बाबू को दादी ने नहीं खिलाया मैंने खुद खाया था हाँ मतलब खाना दिया दादी छोटी छोटी रोटी बनाती है ना इसके लिए मैं खा लेता हूँ अरे नहीं चालू है फोन बेटा चालू